सचिन और सीमा पर लगातार एबीपी न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट हमारे पास है। आपने देखा कि किस तरीके से सीमा हैदर की तबियत खराब हुई और आपने सचिन के पिता को भी सुना, लेकिन हर रोज सीमा हैदर को लेकर नए नए राज सामने आ रहे हैं और ये खुलासे सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं है बल्कि सरहद पार पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में एक और जहां सीमा की कहानी छाई हुई है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी रिपोर्टर खुलासे पर खुलासे कर रहे हैं। बिल्कुल, और एक और बड़ा खुलासा हुआ है सीमा हैदर पर। पाकिस्तानी मीडिया में नया खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि कराची में सीमा के पड़ोसियों ने कुछ बातें बताई हैं और उन्होंने कहा है कि सीमा इतनी अच्छी हिंदी आखिर कैसे बोल रही है, ये पड़ोसी सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना है कि सीमा तो सिर्फ सिंधी में बात किया करती थी, मजहबी कामों में सीमा की दिलचस्पी थी और मजहबी काम में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। तो पड़ोसी कुछ सवाल उठा रहे हैं, पड़ोसी कुछ आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं। जी, इस वक्त मैं डटाई आबाद में मौजूद हूँ और उस गली के मनाजिर आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ मालिक मकान से भी आपकी बात करवाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। ये वो गली है मेरे कब में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रश लगा रहता है और अमूमन लोग आते जाते रहते हैं, मालिक मकान से डेटा लेते रहते हैं। तहम पहली मंजिल पे जो थी वो खातून किराएदार रहती थी और साथ ही जो मालिक मकान थे वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे और मालिक मकान से भी हम बात करवाएंगे आपकी, वो क्या कहते हैं। लेकिन यहाँ के अहले मोहल्ला जो है वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सीमा का मामला ये था कि वो मजहबी तौर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, यानी अपने घर पर अलम भी लगाया हुआ था और जो भी मजहबी तकारीब होती थी उसमें वो बढ़ चढ़ के पेश होती थी। साथ ही साथ ये भी हैरानगी का इजहार कर रहे हैं लोग कि उनको नमाजों का कैसे नहीं पता और साथ ही साथ उनको कुरान पाक की तलावत करने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। हैरानगी का लोग इजहार कर रहे हैं कि वो हिंदी कैसे बोल लेती हैं, यानी लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर उनकी अमूमन जो लोगों से जुबान थी, जो एक दूसरे से रबते की जुबान थी, वो सिंधी थी, सिंधी लिबास में फिरती थी, सिंधी जुबान में लोगों से इंटरेक्शन रखती थी, लेकिन हिंदी जुबान में बात करना इन लोगों के लिए खुद एक यानी अजीब उचंबे की बात थी कि हिंदी जुबान में वो बात कर रही हैं। हमारे पास तीन साल रही थी, पहले उसका अबू जिंदा था, उसने मेरे से मकान लिया, फिर साल डेढ़ साल के बाद उसके अबू का इंतकाल हो गया, फिर बाद में अकेली थी। मजहब उसका अहल शियत का था, इधर याद करती थी, मुहर्रम महीने में मजलिस करती थी, रमज़ान महीने में कभी कभी रोज़े भी रखती थी, नमाज पढ़ती थी। ये झूठ बोल रही है तो हमारे को सलमान भी नहीं आता, नमाज भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। किराया हमारा 10,000 था, वो किराया मियाँ के पास फ़ोन करती थी, वो मियाँ पैसे भेज देता था, कभी 70 कभी 80। जी, मैं तो अभी मेरे से तो ये पहले इधर गली में रहती थी किराए पे, मैं नया आया था, फिर एक साल हो गया था। बस तरीका सही था, निकल बच्चों को लेके स्कूल छोड़ती थी, चीज़ें आती थी दुकान से, चीज़ें वीज़ें लेके देती थी रोड से, सामान वामान। हमने तस्वीर में इधर हमारी गली एक में रहते थे तो मोबाइलों पे देखा, हमने पहचान लिया। हाँ, यही सुनने में आया था कि पबजी गेम पे उसका वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हिंदुस्तान में। तो देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर है कराची में, सीमा के पड़ोसियों का जो खुलासा है वो हम आपको बता रहे हैं और पड़ोसी ये सवाल उठा रहे हैं कि सीमा इतनी अच्छी हिंदी आखिर कैसे बोल रही है। उनका कहना है कि वो यहाँ पर सिंधी में बात करती थी लेकिन वो हिंदी बोल रही है। उनका ये भी कहना है कि जो भी मजहबी काम है वो सीमा अच्छे से करती थी, नमाज पढ़ती थी, लेकिन अब वो भारत में बोल रही है कि मुझे कलमा नहीं आता, नमाज नहीं आती, तो ये बात उनको पच नहीं रही है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।